हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और मैं आ गई हूँ वापस आपके क्लास 11th की सिलेबस को लेके, जिसमें हम कर रहे थे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसमें हमने प्रीवियसली पढ़ा था। पूरा एनिमल टिश्यू को एक बार अच्छे से क्लियर कर लिया था, वो ज़रूरी है पढ़ना है बच्चों। भले ही आपके अभी न्यू NCERT में नहीं दिया हुआ है, बट आई वुड प्रेफर दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, प्लीज़ डू स्टडी दैट टॉपिक, उसको स्किप बिल्कुल मत करिए। ओके, चलिए अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्रॉग के साथ। ओके, तो फ्यू मोर कैरेक्टर सब कुछ इसका देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। सो फ्रॉग, आपको पता है इट इज़ कमिंग अंडर दी एम्फीबियन कैरेक्टर्स। ओके, एम्फीबियन कैटेगरी। ओके, सो दे लिव ऑन बोथ लैंड एज वेल एज इन वाटर एंड बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ एम्फीबिया फाइलम कॉर्डेटा। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग इज वॉट? राना टिग्रीना। तो नाम ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा आपका, क्या है? राना टिग्रीना। They do not have constant body temperature, that their body temperature varies with the temperature of environment. क्या बोलते हैं ऐसी कैटेगरी को जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते? जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग उसका भी हो जाएगा। इनको हम बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो, पॉइक्लोथर्मल। ओके, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड, राइट। तो यहाँ पे दिया हुआ है सच एनिमल आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड, या फिर उसको क्या बोलते हैं? पॉइक्लोथर्म। ओके, पॉइक्लोथर्मल या पॉइक्लोथर्म्स, तो याद रखना ये भी क्वेश्चन। नाउ यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस चेंज इन द कलर ऑफ द फ्रॉग। फ्रॉग जो है वो बहुत जल्दी अपने आप को बैकग्राउंड के साथ मिक्स कर लेता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? कैमोफ्लेज। ओके, सो व्हाइल दे आर इन ग्रास एंड ऑन ड्राई लैंड दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। ओके, तो याद रखना ये फ्रॉग कैमोफ्लेज भी दिखाता है। Now this protective coloration is called mimicry. You might also note that frog are not seen during peak summer and winter. आपने notice किया होगा कि बहुत ज़्यादा summer या बहुत ज़्यादा winter में frogs नहीं दिखाई देते, rainy season में frogs दिखाई देते हैं। तो ये जो peak time होता है, बहुत ही extreme condition होती है, इसमें क्या चले जाते हैं? ये sleeping stage में चले जाते हैं। Okay? So during this period they take shelter in deep burrows to protect them from extreme heat or cold. अब अगर वो समर में जाते हैं देन दिस इज़ कॉल्ड लेस्टिवेशन, एंड अगर विंटर में जाते हैं दिस इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन। बाहर ये ध्यान में रखिए, ये डेफिनेटली क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार, तो याद रखना समर में जाने को बोलते हैं एस्टिवेशन एंड विंटर में जाने को बोलते हैं हाइबरनेशन। अब चलिए फ्रॉग की पूरी एनाटॉमी भी पढ़ते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी सब कुछ को वन बाय वन लेते हैं। सो लेट्स कम टू दी मॉर्फोलॉजी। सो अगर आपने कभी भी फ्रॉग को टच किया हो, क्या आप उसे पकड़ पाएंगे? जैसे ही आप पकड़ने जाएंगे वो क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो स्किन है वो क्या होती है? म्यूकस होता है उसकी स्किन पे। सो द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। तो फ्रॉग की स्किन पे लगातार ये म्यूकस सीक्रेट होता रहता है, जिसकी वजह से फ्रॉग की स्किन कैसी होती है? स्लिपरी होती है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन अ मॉइस्ट कंडीशन। द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन। कैसा होता है? ऑलिव ग्रीन with dark irregular spots and on ventral side the skin is uniformly pale yellow. ठीक है, यानी कि dorsal side जो है this one side, ये वाला side क्या होता है? थोड़ा dark color होता है, और जो नीचे वाला side होता है वो pale yellow color होता है। Okay, तो बस इस पर ये mucus का थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। Now body of a frog is divided into head and trunk. दो part में हम फ्रॉग की बॉडी को डिवाइड करते हैं। यू कैन सी ओवर हेयर ऑल्सो, दिस इज हेड पोर्शन एंड रेस्ट पोर्शन इज योर ट्रंक। ओके, अ नेक एंड टेल आर एब्सेंट। अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट। यू कैन सी यहाँ पे क्या है? एक नॉस्ट्रिल प्रेजेंट, मतलब दोनों तरफ है ना। ये हेड है पूरा, यहीं पे ही दिस इज नॉस्ट्रिल, यहाँ पे दिखाया नहीं है। ओके, आईज आर बल्ज एंड कवर बाय अ निक्टिटेटिंग मैम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट देम वाइल इन वाटर। तो दिस इज आइस, ये बल्ज आउट होती है, मतलब ऐसे बाहर की तरफ। ये देखिए ये भी है, ये दूसरी तरफ की आइस का दिखाया है। तो ये क्या होती है? बाहर की तरफ बल्ज आउट होती है, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? निक्टिटेटिंग मैम्ब्रेन। ओके, जब ये पानी में जाते हैं तो वहाँ पर वाटर से इसकी आइस को प्रोटेक्ट करती है ये मैम्ब्रेन। ओके, ऑन इधर साइड ऑफ आइस अ मैम्ब्रेन टिम्पेनम रिसीव साउंड सिग्नल। तो ईयर्स एज सच कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, बस एक मेम्ब्रेन सा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज टिम्पेनम। तो समवेयर हेयर इट इज प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड टिम्पेनम। ठीक है बेटा। ओके, नाउ द फोरलिम एंड हिंड लिम हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बुरोइंग। ये कुछ फंक्शंस है जो इसके लेग्स करते हैं। द हिंड लिम एंड इन 5 डिजिट
एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन द फोर लिम दैट एंड इन फोर डिजिट. तो याद रखना हिंड लिम जो है उसके पास पांच डिजिट होती हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे सिर्फ फोर डिजिट होती है. तो ये एक डिफरेंस बन सकता है, फोर लिम में क्या होती है, फोर डिजिट और डिजिट्स, एंड हिंड लिम में कितनी होती है, फाइव डिजिट्स होती है. ठीक है बेटा. नाउ फीट हैव वेब्ड डिजिट दैट हेल्प इन स्विमिंग. तो इसके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, मतलब कि बीच में कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से ही ये इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज वेब्ड फीट. ठीक है. नाउ फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. तो ये वाला तो छोड़िए अभी, ये आपको पूरा समझ में आया. ये पूरा हिंड लिम हुआ, दिस इज फोर लिम, इसमें फोर है, फोर लिम फोर डिजिट, हिंड लिम में फाइव डिजिट है. यहाँ पे क्या होते हैं, वेब फीट होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं स्विमिंग में. नाउ जो फ्रॉग होता है वो क्या करता है, इट शोज द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. नाउ ये होता क्या है कि मतलब बाहर से देख के हमें पता चल जाएगा वो फ्रॉग को कि ये मेल फ्रॉग है या फीमेल फ्रॉग है. कैसे पता करेंगे, मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक. ये पहला डिफरेंस है. अगर ये मेल फ्रॉग होगा तो मेल फ्रॉग में क्या होता है, ये थोड़ा सा ऐसे रहता है, दिस इज व्हाट, वोकल सैक. ओके, तो वोकल सैक प्रेजेंट होता है. इस वोकल सैक का काम क्या है, ये क्या करता है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्पलीफिकेशन. क्या करता है, एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड, यानी साउंड का को एम्पलीफाई करता है, यानी कि उसको और तेज़ करता है. आप कई बार देखते होंगे बहुत ज़ोर ज़ोर से मेंढक की आवाज़ आती है, ठीक है, तो वो क्या है, मेल फ्रॉग ही कर सकता है. फीमेल फ्रॉग जो है उसके पास वोकल सैक नहीं होते, तो साउंड तो निकालते हैं बट साउंड को एम्पलीफाई नहीं कर सकते. ओके बेटा. नाउ ऑल्सो अ कॉपुलेटरी पैड, ये सेकेंड डिफरेंस हो गया, दिस इज कॉपुलेटरी पैड. कहाँ पर होता है, ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम. तो ये फोर लिम की जो फर्स्ट डिजिट होती है, इस पे क्या होता है, एक पैड, कॉपुलेटरी पैड होता है, दिस इज कॉल्ड कॉपुलेटरी पैड. प्लीज़ इस, अगर आप एनसीईआरटी में ही पढ़ रहे हैं तो इस डायग्राम में ही ये सब चीज़ें मेंशन कर लेना. ओके बेटा. सो ये क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड दी कॉपुलेटरी पैड एंड दिस इज कॉल्ड वोकल सैक. ओके, सो यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान में रखिएगा. नाउ विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस कॉपुलेटरी पैड का रोल क्या है. जैसे कि वोकल सैक का रोल है साउंड को एम्पलीफाई करना, ये कॉपुलेटरी पैड किस में हेल्प करता है, या यहाँ पे लिख देती हूँ, चाहे है होल्ड फीमेल. ओके, देखो ये क्या होता है ना, ये ग्रिप के लिए होता है. एज यू नो फ्रॉग का पूरा बॉडी कैसा होता है, स्लिपरी. जब एक फ्रॉग है ना, दिस इज अ फ्रॉग. ओके, ठीक है, जब इस पे ये मेल फ्रॉग जो है ये यहाँ पे ड्यूरिंग द कॉपुलेशन व्हेन इट सिट ऑन दिस, तो इसकी जो फर्स्ट डिजिट है इसमें क्या है, ये कॉपुलेटरी पैड, ये क्या करता है, उसको हेल्प करता है यहाँ पे स्टे करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए. ओके, फीमेल फ्रॉग को. तो अगर ये यहाँ पे रहेगा तो क्या होगा, ये फीमेल फ्रॉग को होल्ड कर पाएगा, बिकॉज इसकी म्यूकस लाइनिंग होती है स्किन पे, तो क्या होता है, स्लिपरी होता है. तो उसको फ्रॉग को, मेल फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने में ये कॉपुलेटरी पैड हेल्प करता है, टू डू दी कॉपुलेशन. डिड यू गेट इट, ठीक है. चलिए आगे बात करते हैं नव एनाटॉमी. तो अब देखिए वन बाय वन इसके सारे सिस्टम को स्टडी करेंगे. द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एस डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. ठीक है. द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. अब हम सबसे पहले कौन सा स्टडी करने वाले हैं, इट इज आर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो इसको पहले तो हम एक डायग्राम के थ्रू यहीं पे मैं साइड में आपको बना के बता रही हूँ, उसके थ्रू समझेंगे, है ना. यहाँ पे क्या हो रहा है इस डायग्राम में, तो थोड़ा सा सब कुछ मिक्स किया हुआ है, मैं आपको अलग से बता रही हूँ. देखिए क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो दिस इज़ दी टंग. टंग कैसी होती है, इसकी बायफर्केटेड होती है, बहुत लॉन्ग होती है, जो क्या करती है, हेल्प यहाँ से किसी भी इंसेक्ट को पकड़ने में. ओके, नाउ उसके बाद यहाँ पे आती है बकल कैविटी, फिर एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस. ईसोफेगस से फिर स्टमक आता है. नाउ इस स्टमक से क्या निकलता है, ड्यूडेनम. ओके, तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पे निकल रहा है, इट इज़ लाइक दिस, है ना. तो
तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ से दिस स्ट्रक्चर राइट, मैं उसको बना ही देती हूँ। इट विल बी लाइक दिस है ना। एंड ये ध्यान रखना यहाँ पर ही इसके वेंट्रल साइड में ही क्या ओपन होते हैं, दिस यू कैन सी ओवर हेयर ओके। ये क्या है क्लोएका और ये क्या है दिस बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, इट्स यूरिनरी ब्लैडर, इट इज़ यूरिनरी ब्लैडर राइट ओके। चलिए मैं अब इसके साइड में ही बना रही हूँ, इधर क्या प्रेजेंट होती है, लिवर प्रेजेंट होता है, सो दिस इज लिवर, लिवर के पास में ही प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर ओके। नाउ साइड में ही पैनक्रियास जो इस गॉल ब्लैडर को जॉइन करता है एंड दोनों ओपन हो जाते हैं इस ड्यूडेनम में, समझ में आया ठीक है। तो हम लेबल करते हैं दिस इज टंग, ये क्या है बकल कैविटी, फिर इसी में ही आ गया फेरिंग्स, दिस इज लिवर ग्लैंड, दिस इज ईसोफेगस, स्टमक ओके, दिस वन ड्यूओडेनम, और इस पूरे को हम बोल सकते हैं इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन ओके। देन यहाँ पे आ जाता है दिस इज रेक्टम, यानी कि किसका पार्ट आ गया लार्ज इंटेस्टाइन, देन दिस इज क्लोएका एंड दिस इज यूरिनरी ब्लड, क्लियर है ओके। तो देखिए ये जब खाना खाता है अपनी बायफर्केटेड टंग से अंदर खाना लेता है, खाना इसके अंदर जाता है ओके। तो जब खाना बकल कैविटी में डाइजेस्ट होता है उस वक्त फूड को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड बोलस ओके। एंड व्हेन इट इज़ डाइजेस्टेड इनसाइड दिस इट इज़ कॉल्ड काइम, एंड हेयर इट इज़ कॉल्ड काइल, ये सब फूड के लिए बात कर रहे हैं ओके। अब ध्यान रखिए स्टमक में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती है HCL प्लस गैस्ट्रिक जूस बनाती है, क्या बनाती है गैस्ट्रिक जूस बनाती है गेंसी ओके। तो क्या बनाती है HCL प्लस गैस्ट्रिक जूस, जो क्या करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। फूड आता है ड्यूडेनम में, अब ड्यूडेनम में क्या होता है ये लिवर क्या करता है ये बनाता है बाइल जूस ओके। ये बाइल जूस लिवर स्टोर करता है किसमें, गॉल ब्लैडर, दिस इज व्हाट गॉल ब्लैडर इसमें स्टोर करता है, और ये बाइल जूस यहाँ से आते 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 अल्टीमेटली ड्यूडेनम में पोर हो जाता है, दिस इज व्हाट पैनक्रियास, तो इससे भी जूस निकलता है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस, ये भी इस डक्ट के थ्रू यहाँ पे पोर हो जाता है। तो इस वाली डक्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉमन डक्ट ओके बेटा, समझ में आया। अब ध्यान रखना ये बाइल जूस जो है, इस बाइल जूस का क्या काम है, ये बाइल जूस का काम है फैट को डाइजेस्ट है ना, ये फैट का क्या करना इमल्सिफिकेशन यानी कि डाइजेशन करना, और जो पैनक्रिएटिक जूस है उसका काम क्या है, क्योंकि देखिए खाने में क्या होता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होगा, तो ये क्या करेगा इट विल डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यस क्लियर है बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। अब खाना आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन ओके। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ध्यान से देखिए यहाँ पे जो इवॉल्व होती है इसमें फर्दर क्या प्रेजेंट होता है लाइक दिस, दिस इज व्हाट माइक्रोविलाए ओके। ये माइक्रोविलाए बेसिकली क्या करती है इसकी एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करती है, तो यहाँ पे इसका कंप्लीट डाइजेशन फूड का होता है, उसके बाद माइक्रोविलाए के थ्रू फूड और न्यूट्रिएंट जो रिलीज हुए हैं उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को डाइजेस्ट करके उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सारा एब्जॉर्प्शन होने के बाद अल्टीमेटली एज अ वेस्ट मटेरियल जो है वो रेक्टम के थ्रू कहाँ पे आ जाता है क्लोएका में, यानी कि यहाँ पे क्या है यहाँ पे है फीकल मैटर है ना, फीकस प्रेजेंट फीकल मैटर यहाँ पे कलेक्ट होता है एंड अल्टीमेटली इट गोज आउट थ्रू दिस क्लोएकल अपर्चर, इसको हम क्या बोलते हैं व्हाट इज दिस
क्लोइकल अपर्चर, इट इज रिटन ओवर हेयर है ना, क्लोइकल अपर्चर, डिड यू गेट इट? सो दिस इज क्लोइकल अपर्चर। और यूरिनरी जो ब्लैडर होता है ये इसके वेंट्रल साइड में, ये भी अलग से इस क्लोइका में ओपन होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी ओपन हो रहा है। यहाँ से देखिए किडनी, किडनी के थ्रू जो यूरिन आएगा वो भी इसी क्लोइका में ओपन होता है। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हम देखेंगे वो भी ओपन होता है। तो समझ में आया ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम? चलिए इसको अब रीड कर लेते हैं। तो बात करते हैं, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट। अब इसकी एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है क्योंकि फ्रॉग कैसा होता है? इट इज़ कार्निवोर। ओके, तो फ्रॉग कैसा होता है? कार्निवोर होता है। हैंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। ओके, क्यों? क्योंकि मीट को डाइजेस्ट करने में कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू सेल्यूलोज जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, उसको डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगता है। तो जितना ज़्यादा टाइम वो कोई इंटेस्टाइन में फूड रहेगा उतना ज़्यादा वो डाइजेस्ट हो पाएगा। ठीक है, द माउथ ओपन इन टू बकल कैविटी दैट लीड्स टू ईसोफेगस थ्रू फेरिंग्स, है ना, पढ़ लिया ये हमने। नाउ ईसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन इन टू स्टमक विद इन टर्न कॉन्स्टिट्यूट एन इंटेस्टाइन रेक्टम एंड फाइनली ओपन आउटसाइड बाई दी क्लेवा। बिल्कुल सही है। लिवर सीक्रेट्स बाइल दैट इज स्टोर इन द गॉल ब्लडर। पैनक्रियाज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। फूड इज कैप्चर बाय द बाइलोब टंग। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एसीएल एंड गैस्ट्रिक जूसेस स्टार्टेड फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टमक, है ना। तो स्टमक में ही पहले डाइजेशन शुरू हो चुका है एसीएल और गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। नाउ पार्शियली डाइजेस्टिव फूड कॉल्ड काइम इज पास फ्रॉम द स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है, उसका भी फर्स्ट पार्ट में एंटर कर रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ड्यूओडेनम। ओके, द ड्यूओडेनम रिसीव बाइल फ्रॉम गॉल ब्लडर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, दोनों की डक्ट क्या हो जाती है, एक कॉमन बन जाती है। ओके, जिसके थ्रू वो दोनों अपना अपना सीक्रेशन पोर्ट करते हैं। अब बाइल क्या करता है, इट इमल्सिफाइज द फैट एंड पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना ब्रेक डाउन कर रहे हैं। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाय एंड माइक्रोविलाय। जो हमने यहाँ पे बनाया ना दिस वन, तो दिस इज विलाय एंड माइक्रोविलाय जो क्या करते हैं डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव इन टू द रेक्टम एंड पास आउट थ्रू क्लोएका। सो आई थिंक ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर होगा। इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा आप कंसिडर कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छे से नहीं बता रखी है। सो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अभी नेक्स्ट सिस्टम लेते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। वन मिनट। यस, ओके, सो आवर सेकंड सिस्टम इज रेस्पिरेटरी। ओके, तो फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर। हमें पता है कि फ्रॉग दोनों जगह रेस्पिरेशन करते हैं बाय टू डिफरेंट मेथड। इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी स्किन, जिसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर मैं इसको शॉर्ट में आपको बताऊँ ना, तो देखिए रेस्पिरेशन दो तरह का रहता है। अगर जब फ्रॉग लैंड पे रहता है तो तीन तरह से रेस्पिरेशन होता है। किसके थ्रू? स्किन के थ्रू, बकल कैविटी के थ्रू एंड लंग्स के थ्रू। ओके, नाउ स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बकल के थ्रू होता है उसको हम बोलते हैं बक्कोफेरिंजियल, और इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी। ठीक है, तीनों के थ्रू ये रेस्पिरेशन को करेगा। बट अगर वाटर में होता है तो वाटर में ये सिर्फ और सिर्फ स्किन के थ्रू करता है, यानी कि कौन सा करता है, क्यूटेनियस। ठीक है, और स्किन के थ्रू और कहाँ कहाँ करता है, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है ना, तो इसी को ही हम अभी शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि ये कैसे रेस्पिरेशन एंड हाइबरनेशन का हो रहा है। ओके, वन मिनट। ओके, सो
फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड इन वाटर बाय टू डिफरेंट मैथड इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू स्किन बाय डिफ्यूजन कैसे होगा स्किन के थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू तो डायरेक्ट ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी सी ओ टू बाहर चला जाएगा ना ऑन द अदर हैंड बक्कल कैविटी स्किन एंड लंग्स एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑन लैंड है ना लैंड पे ये रहता है द रेस्पिरेशन बाय लंग इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन द लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन यानी कि थोरेक्स में दो पिंक कलर के सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है याद रखना ये थोड़ा सा कलर पे फोकस कर लेना कई बार पूछ लेते हैं आई नो बहुत स्मॉल सा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही फिर भी पूछ लिया जाता है नाउ एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल इन टू द बक्कल कैविटी एंड देन टू लंग ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन डू यू गेट इट दिस इज द वन नाउ अब आ जाते हैं थर्ड वन पे जो क्या है हमारा दैट इज वेस्कुलर या हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हार्ट से रिलेटेड ओके सो इसमें बात करते हैं द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप कैसा होता है इसका क्लोज टाइप यानी कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होगा फ्रॉग हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हार्ट blood vessels and blood the lymphatic system consists of lymph channel and lymph nodes heart is a muscular structure situated in the upper part of the body cavity it has three chamber two atria and one ventricle ab abhi tak aapne sun rakha hoga ki do atrium do auricle ya do ventricle hote hain but isme kya hote hain तीन होते हैं थ्री चैम्बर्ड होते हैं दो एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना चाहूँ बहुत सिंपल वे में तो क्या स्ट्रक्चर होगा इट इज लाइक दिस क्या होगा राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल ओनली वेंट्रिकल तो ये थ्री चैम्बर हार्ट हो गया ओके नाउ इट इज कवर्ड बाय अ मैम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम अगर मैं इसके चारों तरफ एक मैम्ब्रेन बना दूँ जिसके थ्रू ये पूरा हार्ट जो है वो कवर रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं इट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम ओके बेटा नाउ इस पे आप चाहे यहाँ पे मार्क कर लो ये क्वेश्चन बन सकता है नाउ अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल साइनस वेनोसेंस जॉइन द राइट एट्रियम अब आपको अगर मैं पूछ जाऊँ कॉमनली तो यहाँ पे क्या आती है वेना कावा आती है ना वेना कावा से ही नाम दे दिया क्या इससे पहले एक मिनट हाँ ये वेना कावा है अब वेना कावा राइट एट्रियम में ओपन होने से पहले एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में ओपन होती है और फिर ये ओपन होता है राइट एट्रियम में दिस वन इज नोन एज साइनस वेनोसस ठीक है क्लियर है साइनस वेनोसस इसमें पहले ब्लड आता है फिर उसके बाद वो एट्रियम में जाता है इट रिसीव द ब्लड थ्रू द मेजर वेन कॉल वेना कावा तो मतलब ये क्या है दिस इज वेना कावा जो ब्लड लेके आके डायरेक्ट राइट एट्रियम में डालती है बट इससे पहले ही साइनस वेनोसस में डालेगी और उसके बाद वो राइट एट्रियम में डालेगी द वेंट्रिकल ओपन इन टू सैक लाइक कॉनस एट्रियोसिस ऐसे ही वेंट्रिकल जो है वो भी पहले एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होगा और उसके बाद इसमें से आर्टरी निकलेगी दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉनस एट्रियोसिस ठीक है बेटा ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी बाय द आर्टरीज अब ब्लड यहाँ से क्या होगा फर्दर आर्टरीज में डिवाइड होगा और वो आर्टरीज सब बॉडी के पार्ट्स को ब्लड प्रोवाइड करेगी ओके स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग द फॉर्मर इज कॉल्ड हिपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड लेटर इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम अब ये क्या होता है इसको समझते ध्यान से देखिए जब हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड देता है अब वो ब्लड जाएगा पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स में जाएगा वहाँ जाके उसका यूटिलाइजेशन होगा और बदले में वहाँ का पार्ट उसको CO2 प्रोवाइड कर देगा अब ये ब्लड वापस से कलेक्ट होके वेन के थ्रू कहाँ जाएगा वेना कावा के थ्रू अल्टीमेटली हार्ट में वापस दिया जाएगा हार्ट इसको पंप करके किसको दे देगा लंग्स को देगा फॉर फर्दर प्योरिफिकेशन दिस इज द सिंपल थिंग बट होता क्या है ना फॉर एग्जाम्पल दिस इज हार्ट ओके हार्ट ने ब्लड पंप किया कैसा किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया ये ब्लड आया कहाँ पे ये ब्लड आया स्टमक में या आप बोल सकते हैं इंटेस्टाइन ओके अब स्टमक के थ्रू होता क्या है ना हम खाना जो खाते हैं उसके थ्रू हो सकता है कोई टॉक्सिक भी आ जाए ओके हो सकता है इसके पास कुछ टॉक्सिक हो या कोई ड्रग लिया
अब अगर यहाँ से एक्चुअल में तो ब्लड के यहाँ जाना चाहिए, वापस से हार्ट के पास आना चाहिए, किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू, ओके। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? अगर मान लो हमने टॉक्सिक कोई मटेरियल स्टमक में ले रखा है तो वो भी इसके साथ ट्रैवल करते 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 हार्ट तक आ जाएगा, एंड विच इज़ वेरी इंजूरियस या वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर हार्ट। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ये ब्लड डायरेक्ट ना जाके पहले ये जाता है एक और दूसरे ऑर्गन में, उसके बाद ये जाता है हार्ट में, ओके। सो व्हेन ब्लड डू नॉट गो डायरेक्टली इनटू हार्ट रादर देन थ्रू एन ऑर्गन एंड देन गो टू हार्ट, दिस इज कॉल्ड पोर्टल सिस्टम, है ना। और यहाँ पे वो क्या होता है, इट इज़ लिवर। तो लीवर इस ब्लड को लेगा जिसमें ड्रग्स है, टॉक्सिक है, इवन पॉइजन हो सकता है। लीवर इसको क्या करेगा, इसमें जितने भी पॉइजन और सब कुछ होता है उसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, पॉइजन, दे ऑल डन बाय लीवर, ओके। एंड अल्टीमेटली लीवर फिर क्या भेजेगा, ऐसा ब्लड भेजेगा जिसमें सिर्फ CO2 होगा, बट ये पॉइजन या जो डेंजरस चीज़ें हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अब हार्ट इस ब्लड को लेके लंग को दे देगा, लंग इस ब्लड को लेके प्योरीफाई करेगा एंड वापस हार्ट के पास आएगा, एंड हार्ट फिर वापस से एओर्टा के थ्रू वापस ये ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो समझ में आया, बिकॉज स्टमक से ब्लड डायरेक्ट हार्ट को पास ना जाके एक और ऑर्गन को जा रहा है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अब दूसरा कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, दिस इज़ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, क्योंकि लिवर है, लिवर को हम हिपैटिक बोलते हैं, इसलिए हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। दूसरा है रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल किसको बोलते हैं, किडनी को बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि दिस इज़ हार्ट सपोज, है ना, और ये लोअर लिम्स है, दीज आर लोअर लिम्स या लोअर बॉडी, है ना, या आप बोल सकते हो लोअर बॉडी। अब हार्ट ने ये ब्लड दे दिया इस लोअर बॉडी को, ठीक है, कैसा दिया, ऑक्सीजन वाला ब्लड दिया, राइट। अब ये ब्लड यहाँ से यूटिलाइज होके सबसे पहले कहाँ जाएगा, इट विल गो टू किडनी, क्योंकि इसमें अब क्या हो सकते हैं, कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट, और अगर उसको रिमूव नहीं किया गया तो वो हार्ट के पास पहुँचेगा एंड देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो किडनी क्या करता है, उस चीज़ को रिमूव करने का काम करता है, एंड देन उसके बाद यहाँ से जो ब्लड जाता है ये सिर्फ CO2 रिच होगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड होगा, बट इसमें कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं होगा। समझ में आ रही है? तो दिस इज़ ऑल्सो अ पोर्टल सिस्टम। तो यही हो गया हमारा रीनल पोर्टल सिस्टम द ब्लड। अब ब्लड की कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। ब्लड इज़ कम्पोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल। ब्लड का पूरा कॉम्पोजिशन क्या होता है, प्लाज्मा और सेल्स का बना होता है। ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती है, RBCs जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, WBCs जिसको ल्यूकोसाइट या WBCs वाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स। अब यहाँ पे RBCs जो होती है वो कैसी होती है, इट इज़ न्यूक्लिएटेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बन सकता है, क्योंकि ह्यूमन की जो RBCs होती है वो ए न्यूक्लिएटेड होती है। मैं यहाँ पे चाहे लिख देती हूँ, ह्यूमन की जो RBCs होती है वो कैसी होती है, ए न्यूक्लिएटेड, ठीक है बेटा। तो ये एक डिफरेंस हो गया, बिकॉज इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ऐसे ज़रूरत नहीं होती है, एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन। द लिम्फ इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, इट लैक्स फ्यू प्रोटीन एंड RBCs। अब लिम्फ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसके पास कम प्रोटीन होते हैं, कम RBCs होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ब्लड। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट, गैस, वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव बाई द पम्पिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट। तो हार्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में, तो इसलिए हार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए, तो यहाँ तक हमारा कवर अप हो गया, क्या क्या, मॉर्फोलॉजी कवर कर लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एंड वैस्कुलर सिस्टम हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम और भी दो चार जो सिस्टम है सबको एक साथ ख़त्म कर देंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए, यहाँ तक का कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रूर उसे कॉमेंट बॉक्स में बताना, ओके। टेक केयर, टिल बाय।